हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहला दोस्तों, बिहार स्टेट 2024 पासिंग मार्क्स के बारे में दोस्तों आपको बताने वाले हैं, और दूसरी बात दोस्तों, हम आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करेंगे आपका पासिंग मार्क्स, क्योंकि दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी जब आपका बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आता है तो वह लोग नोटिफिकेशन नहीं देखते और उनको बिहार स्टेट का दोस्तों पासिंग मार्क्स मालूम नहीं रहता है। तो दोस्तों हम उसको आपको बताने वाले हैं कि आपका पासिंग मार्क्स दोस्तों क्या होने वाला है, और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे अदर स्टेट महिला और अदर स्टेट पुरुष के दोस्तों पासिंग मार्क्स क्या होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका दोस्तों बिहार स्टेट 2024 का पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है। ठीक है, चाहे वह दोस्तों आपका पेपर वन हो या चाहे आपका दोस्तों वह पेपर टू हो। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप दोस्तों एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि पेपर वन का दोस्तों एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है और पेपर टू का एग्जाम दोस्तों आपका यहाँ पे दोस्तों 11 जून से आपका पेपर टू का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या, ये हो गया आपका दिनांक, ये हो गया कि आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का उत्तीर्णांक यहाँ पर न्यूनमत होगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपका होगा यहाँ पे न्यूनमत होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों दिया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला। ठीक है, ये तमाम चीजों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात कर, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका जो बिहार स्टेट का पेपर होता है वह दोस्तों कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो जो आपका पेपर होता है वो फ्रेंड्स आपका 150 मार्क्स का होता है और आपका 150 क्वेश्चन रहते हैं। ये बात दोस्तों सब लोगों को पता होगा। ठीक, जिसमें से दोस्तों आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके 50 अदर सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, जीके जीएस रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ्स रहता है। ये सब्जेक्ट मिलाकर 5 सब्जेक्ट मिलाकर दोस्तों 50 नंबर का रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका सब्जेक्ट के बारे में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाला है, सॉरी आपका पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है और पासिंग मार्क्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे अगर बात कर ले कि सामान्य कैटेगरी, यानी तो दोस्तों सबसे पहले बात करें सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको 50% यहाँ पे लाना होता है, यानी कि 50% की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 75 मार्क्स लाना होता है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, चाहे आप दोस्तों बिहार से हो या आप बिहार के अदर स्टेट से हो, ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे पासिंग होने के लिए 75 मार्क्स यहाँ पे दोस्तों लाना होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन की बारे में दोस्तों बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा कि क्या दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें दोस्तों आपको हम अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों, पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों आपका 45.5% आपका अंक लाना होता है। 45.5% आपको पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों लाना होता है। उसमें दोस्तों ओवरऑल दोस्तों आपका कितना अप्रोक्स हो जाएगा, 68.75 के अप्रोक्स आता है, यानी 25 के अप्रोक्स आता है, यानी कि यहाँ पे 69 नंबर आपको यहाँ पे लाना होता है इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पे लाना होगा 42.5% अंक। ठीक है, 42.5% अंक अगर हमें दोस्तों 150 पे अगर फिट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका निकल के आएगा 63.75। ठीक है, 63.75 यानी कि अप्रोक्स की अगर हम बात कर लें तो आपका 64 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, अप्रोक्स में आपको 64 मार्क्स यहाँ पे आपको लाना होगा अगर आप दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं आपका किसकी, अब दोस्तों हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग और आपकी महिला। ठीक है, तो इनकी इन तीनों के लिए दोस्तों आपको 40% अंक लाना होता है। ठीक है, अगर आप इन तीनों किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 40% यानी 150 का 40% आपका दोस्तों होता है, 60 मार्क्स आपका होता है 140 का 50 मार्क्स। अगर दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत महिला हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आप महिला हैं तो आपको मात्र 150 में से आपको 60 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आप दोस्तों बिहार स्टेट पास हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बीपीएससी TRE 3, TRE 4, TRE 5 किसी भी एग्जाम, जो आपका एग्जाम आने वाला उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं 9 to 10, 11 to 12 के लिए। ठीक है, अगर आप 9 to पेपर वन देते हैं तो 9 to 10, अगर पेपर टू देते हैं तो आप 11 to 12 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप महिला हैं, अगर 60 नंबर आपका आ जाता है तो। ठीक है, बिहार स्टेट के पेपर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इतना आप लोग को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि आपका यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया नॉर्मलाइजेशन। ठीक, यहाँ पे दोस्तों क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर
बेस्ट आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें आपका अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इसका आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे परीक्षार्थियों में समानता अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों को अलग अलग कठिनाई के स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का दोस्तों परीक्षा फल तैयार करने से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन की विधि को यहाँ पे अपनाई जाती है, ताकि किसी भी विशेष पाली के अभ्यर्थी को ज्यादा लाभ न मिले और किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को ज्यादा यहाँ पे हानि भी न हो। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं आपके डेट वाइज, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि को अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि 2024 की प्रक्रिया में आपका परीक्षा फल दोस्तों एसेट के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगाकर का परीक्षा फल को दोस्तों जारी किया जाएगा, इनका रिजल्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका हम प्रक्रिया को देख लेते हैं, क्या इसका प्रक्रिया दोस्तों होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का यानी प्राप्तांक होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है होता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर आप वो स्टूडेंट अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप 75 के एवव आते हैं तो आप वहां पे आप पास माने जाएंगे, अन्यथा 75 के नीचे हैं तो आप वहां पे फेल माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता तथा अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर कर्णिका संख्या 7 में दोस्तों दिया गया है, यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि दोस्तों उनके राव स्कोर। राव स्कोर का मतलब ये होगा कि दोस्तों अगर आपने पहले स्कोर किया था 80, अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप आ गए 80 से 75 के नीचे, अगर 74 आ गए तो आप वहां पे फेल हो जाएंगे। पहले तो आप पास थे लेकिन बाद में इसके बाद फेल हो जाएंगे, यही आपका दोस्तों राव स्कोर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको गम में आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप अगर किसी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थी 150 अंकों की परीक्षा में राव स्कोर 76, यानी कि 150 अंक की परीक्षा में कोई जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अभ्यर्थी है वो 76 अंक स्कोर करता है। ठीक है, स्कोर उसका कितना रहता है दोस्तों, 76 अंक लेकर आता है विथआउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अभी उसका राव स्कोर है। ठीक है, तथा जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, अब जब दोस्तों उसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसका स्कोर 74.90 आता है। दोस्तों पहले तो वो क्या था, यहाँ पे पास था, जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 75 मार्क्स थे, उसका 76 मार्क्स आया तो वो पहले पास था। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका 74.90 मार्क्स आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 50% यानी 75 होता है, प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट यहाँ पे अनुत्तीर्ण घोषित होगा। ठीक है, यहाँ पे वो अभ्यर्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे फेल माना जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 75 स्कोर नहीं अचीव कर पाया। ठीक है, वह 74.90 पे ही अटक गया, तो वहां पे दोस्तों पहले तो वो पास था लेकिन इसके बाद वो दोस्तों फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, यदि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है तो किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। ठीक है, ये दोस्तों बताया गया कि आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका उसमें निगेटिव इम्पेक्ट दोस्तों आ सकता है। तो ये था दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और हमने दोस्तों इस वीडियो में आपके दो चीजों पे बात किया। पहला दोस्तों हमने इस वीडियो में बात किया आपका किस पे, आपके पासिंग मार्क्स पे दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया, और दूसरी बात हमने की आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।